all in my DMs, but really I know what they want, yeah. I don't really want attention, stop begging me for a mention. Hey, I know I'm trying to concede it, but I'm just trying to cut the tension, yeah. हेलो गाइस, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मॉडिफाइड यामाहा R15 V3 को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। गाइस, मैंने एक वीडियो डाला था R15 वर्शन 3 मॉडिफाई का, तो गाइस बहुत सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था गाइस कैसे हम फ्रेंड कैसे ये हम कर सकते V3 को मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं R1M में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और गाइस गंदे गंदे कमेंट्स मत करना, बहुत लोग ही गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। और गाइस वीडियो को पूरा देखना, समझना क्या कैसे क्या नहीं हो रहा है, फिर गाइस कमेंट करना कि क्या क्या नहीं हो रहा है। तो गाइस चले इस वीडियो को शुरू करते। तो गाइस पहले ही बता देता हूँ, ये गाइस जो मॉडिफाई का वीडियो मैंने डाला था, ये गाइस इंडोनेशिया से का स्पीक मॉडल है, जो गाइस USB फ्रंट फोक्स के साथ आता है। और ये गाइस इंडिया में जो इसका आगे का जो फेयरिंग है और बबल वाइजर है, इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। जो गाइस अवेलेबल हो जाएगा जब तक, तो गाइस मैं अपडेट दे दूंगा। तो अभी तक गाइस जो जो मॉडिफिकेशन कर सकते ऐसा तो कुछ, जैसा वीडियो में पहले वाला वीडियो में जो देखा था गाइस, ऐसा कुछ आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस ऐसा प्रोडक्ट अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत नेट में सर्च कर, लेकिन गाइस अभी तक इंधन अवेलेबल नहीं है। तो गाइस आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कराने के लिए आपको बहुत खर्चा आ जाएगा, 1 से 2 लाख तक खर्चा लगेगा इस बाइक को मॉडिफाई कराने में। तो गाइस कुछ टिप्स देता हूँ गाइस कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं R1M में। R1M जैसा लुक नहीं मिलेगा, कुछ आप स्टिकर लगा के, कुछ प्रोजेक्टर और LED लगा के गाइस अपसाइड डाउन फोर्क्स लगा सकते हैं। उसका खर्चा आएगा 25,000 तक। आप खुद से करेंगे तो मतलब कि सेकेंड हैंड पार्ट्स खरीद के करेंगे तो आपको 25,000 तक पड़ेगा USD फोक्स का। और गाइस आप USD फोक्स नहीं भी कर सकते तो भी ठीक है, तो गाइस आप बबल वाइजर लगा लीजिए और एक प्रोजेक्टर लगा दीजिए। कैसे आप लगा सकते वो भी दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना गाइस। और जो हेडलाइट है LED हेडलाइट, उसको नीचे से अच्छी तरह से आप रैप कर सकते हैं, और कुछ R1 जैसा लुक दे सकते हैं रैप करा के। तो गाइस मैंने पहले ही बता दिया था कि गाइस ये जो मैंने मॉडिफिकेशन का वीडियो डाला था पहले वाला, जो सब सब्सक्राइबर ने कमेंट कर रहा था सारे फ्रेंड्स ने, तो उस पर जो मॉडल आ रहा था इंडोनेशियन स्पीक मॉडल, मतलब कि इंडोनेशिया में ये मॉडिफाई किया गया, इंडोनेशिया और बाहर के देश में सब मॉडिफायर ने मॉडिफाई करा है। ये सब चीज़ अवेलेबल है, अभी तक इंडिया में शायद अवेलेबल नहीं है ये मॉडल। तो गाइस आप कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको वीडियो में कैसे आप मॉडिफाई कर सकते, कैसे आप कोई हेडलाइट लगा सकते। और गाइस आप सामने में थोड़ा सा रैप करके थोड़ा सा लाइट दिखा सकते, मतलब कि थोड़ा वाला रैप करके आप R1M जैसा लुक पा सकते। और गाइस ये जो पिक्चर सब देख रहे, ये R15 V3 का मॉडिफिकेशन करा गया है, आप देख सकते हैं LED लगा के एकदम R1M जैसे तो नहीं लग रहा है गाइस। कुछ आप स्टिकर लगा सकते हैं नीचे से ऊपर तक, पूरा हेडलाइट ढक सकते हैं, R1 जैसा लुक आपको आएगा। ऐसा कुछ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अभी तक अवेलेबल नहीं है शायद जो R15 का V3 का जो वाइजर आता है R1M का, अभी तक अवेलेबल नहीं है इंडिया में। जो गाइस अवेलेबल होगा तो गाइस में लिंक भी दे दूंगा और एक वीडियो भी बनाऊंगा इसका नया वाला। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैसे हम लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप लगा सकते R15 V3 को R1M में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर लगा कर देख सकते हैं गाइस, इसमें थोड़ा सा आप पत्ती वत्ती वेल्ट करके ये स्क्रू लगा कर आप इसको लगा सकते हैं, और एकदम भी नहीं हिलेगा ये। आप ऐसा कुछ गाइस आप मॉडिफिकेशन काट सकते हैं, और ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं आप लोकल वाले को। गाइस आपको जो सर्विस सेंटर वगैरह है, मतलब कि जो दुकान है गाड़ी की, तो गाइस आप वहाँ पर जाकर ये लगा सकते हो। गाइस आप कुछ भी ये काट सकते हैं, तो ऐसा कुछ गाइस आप मॉडिफिकेशन काट सकते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप नाइट में ये दिखेगा। और गाइस जो आप स्टिकर लगाते हैं हेडलाइट में R1 जैसा लुक दे सकते हो, तो गाइस स्टिकर लगा सकते थोड़ा सा नीचे में छोड़ के,
तो गाइस आपको और भी बहुत अच्छा लगेगा इस वाले वीडियो पे, देख रहे हैं हेडलाइट भी है और नीचे में जो प्रोजेक्टर है वो भी है। अभी गाइस आप हेडलाइट को ढक सकते हैं स्पीकर से और कुछ थोड़ा बहुत R1 के जैसा लुक दे सकते हैं उसमें स्टिकर लगा के। तो गाइस ऐसे ही कुछ आप मॉडिफाई कर सकते। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके बता दीजिए। और गाइस जो मेरे चैनल पे नए हैं जो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस जिसको भी क्वेश्चन से वो कमेंट कर सकते हैं इस बाइक को लेकर। मैं और भी एक नया वीडियो लेकर आऊँगा इस बाइक के बारे में, तो मेरा फ्रेंड की एक बाइक है तो गाइस उसमें कुछ ज़्यादा बहुत मॉडिफिकेशन करूँगा मैं। तो गाइस आप कमेंट करना आपको और क्या देखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए कमेंट करना, कमेंट करके बता देना। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।